हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आए हुए थे साउथ दिल्ली। पहले हम गए थे कार का इवेंट कवर करने के लिए और वो कैंसिल हो गया, पता नहीं किस रीज़न से कैंसिल हुआ। वो नेक्स्ट वीक होगा शायद। उसके बाद हम आ गए हैं ओखला। ये पीछे मेरे दिख रहा होगा आप सबको अल निहार, यहाँ पे काफ़ी फेमस बर्गर बताते हैं, वो ट्राई करने आए हैं हम। ये ओखला में है तो देखते हैं इनका बर्गर किस तरीके से बनाते हैं और कैसा बनाते हैं और ये कवर करते हैं पूरा। तो गाइज ये इनका किचन और अभी हमारा ऑर्डर बनेगा तब आपको दिखाते हैं कैसे क्या बनाते हैं इनका। यह इनका तवा, तो इसी तवे पे बनता है फेमस अल निहार बर्गर जो काफ़ी फेमस हो रखा है। अभी मेरे को किसी ने इस प्लेस के बारे में बताया था कि यहाँ पे एक बार ज़रूर जाना और काफ़ी अच्छा बर्गर बनाते हैं। ये कौन सा तेल है भैया? कौन सा? पीनट बटर, पीनट ऑयल है। चिकन भी गाइस देखो कितने अच्छे से रखा हुआ है इन्होंने। ये चिकन इस पे तवे पे रोस्ट करते हैं पीनट ऑयल में। कितने टाइम पुरानी है भैया आपकी शॉप ये? 3 साल। 3 साल पुरानी शॉप है और ये रोस्ट कर रहे हैं चिकन। बहुत बड़ा तवा है इनका। ये सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। ये क्या डाला है भैया आपने? अमूल बटर। पहले पीनट ऑयल उसके बाद अमूल बटर। खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है। वहाँ पे फ्राइज हो रहे हैं, हमने फ्राइज भी करा रखे हैं और क्या कहते हैं यहाँ पे हमारा फेमस बर्गर बन रहा है। तो अभी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। देखो ये आप खुद बनाते हो बन जो है? ये क्या बता रहे थे आप? कस्टमाइज होते हैं ये। भैया बता रहे हैं कि ये इनके खुद के कस्टमाइज बन है। देखिए रोस्ट होने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। ये जो टिक्की टाइप है इनकी, इसको क्या बोलते वैसे आप? मतलब एक पीस को चिकन पैटी, चिकन पैटी बोलते हैं इसको। ये बर्गर भी काफ़ी जो बन है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और जैसे कि यहाँ के बता रहे हैं कि ये खुद ही बनाते हैं और कहीं नहीं देखेंगे आपने ऐसे बन। ये देखिए रोस्ट होने के बाद कितना बढ़िया लग रहा है। तो जो चिकन पैटी है वो काफ़ी अच्छे से ग्रिल हो चुकी है और बर्गर भी इन्होंने तवे पे थोड़ा सा ग्रिल कर दिया है, थोड़ा सेक दिया है। चिकन पैटी के ऊपर अमूल की स्लाइस लगा रहे हैं और काफ़ी अच्छी ग्रिल हो चुकी है हमारी चिकन पैटी अमूल बटर और पीनट ऑयल में। ये कौन सी वो है, तंदूरी? और ये कौन सी सॉस है? चिपोटले। तो दो सॉसेस डाली आपने? ये चीज सॉस। तो इसमें आपने 3 सॉसेस डाली हैं, चिपोटले, चीज सॉस और तीसरी एलापिनो। जैलापिनो जैसे सब्वे में खाते हैं ना वैसे ही बना रहे हैं बिल्कुल। जब ये वेजीज डाल रहे हैं इसमें खाने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये दूसरे भाई जो हैं ऊपर बन में डाल रहे हैं वेजीज। हाँ करो भाई, फ्रिज में रख दीजिए उसको। ये जानू का फोन हीट हो गया है, भाई बोल रहे हैं फ्रिज में रख दो। लोडेड चीज़ बर्गर रेडी हो चुका है। ग्लव्स भी पहन रखे हैं तो काफ़ी मतलब साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दिखाना भैया एक दे दो बात करा। तो हमारा लोडेड चीज़ बर्गर चिकन पैटी बर्गर रेडी हो चुका है। अब इसको टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं कैसा था और यहाँ आना वर्थ इट है या नहीं है
और प्राइस भी हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। तो आज मेरे साथ अलनियार बर्गर ट्राई करने आए हुए शानू और गोलू। तो कैसा लग रहा है ये बर्गर टेस्ट में? टेस्टी है, काफ़ी अच्छा। तो एक बर्गर लेके देखा और ये बहुत टेस्टी है, तो अभी हम ऑर्डर के लिए और मंगाएंगे। तो गाइज हमने सिर्फ एक ही बर्गर लिया था कि ट्राई करते हैं पहले अच्छा है या कैसा है। तो ये दोनों बोल रहे हैं दोनों वो काफ़ी टेस्टी लगा है। बाकी हमने एक ड्रिंक भी बनवाई है, इनकी आगे फेमस ड्रिंक है, वो भी पी के देखते हैं कैसे बनाते हैं ये। तो गाइज हमने ट्राई किया यहाँ का फेमस बर्गर। यहाँ पे इनका किचन है, नीचे भी सिटिंग है और एक यहाँ पे सिटिंग बना रखी है। ये बिल्कुल ओखला के मेन रोड पे है और मस्ट ट्राई बर्गर है। काफ़ी कम लोगों ने यहाँ के बारे में वीडियो बना रखी है इस जगह के बारे में। मेरा अलनिहार फेमस, ये मेन रोड है ओखला का और यहाँ कोने पे ही है ये। शानू ने एक ड्रिंक, मतलब ड्रिंक तो क्या है, क्या बोलेंगे इसको, शेक, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी है ये, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी। तो ये भी इसने बनाया था, बता रहे थे काफ़ी फेमस है। इसी ने हमें बताया था, ये वो इंसान जिसने ये जगह रिकमेंड करी थी कि यहाँ आना चाहिए। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ आने का, वर्थ इट है? वर्थ इट है। आउट ऑफ 10 बर्गर को कितनी रेटिंग? बर्गर 10 में से 10 है। 10 में से 10 मतलब काफ़ी बढ़िया बता दिया इसने तो, कि बहुत बढ़िया बर्गर है, कूलेस्ट बर्गर इन टाउन। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।